सिमसन जो है ना इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शोज पता mm -hmm. नहीं मेरा क्या थर्टी समथिंग सीजन हो गए उसके mm -hmm. उसके अंदर तो पता नहीं कितने episodes होंगे सो mm एंड -hmm. so, uh, जब भी कोई राइटर uh, है वो इंस्पिरेशन uh, जो है रियल लाइफ से ही ले रहा होता है सही. अच्छा रियल लाइफ में अगर अगर ऐसे हो जाएगा सो दे कैन बी इंस्टेंसेज जहां पे दे आर एबसोल्यूटली राइट मगर हम वो प्रॉबीबिलिटी भी देखें उन्होंने बहुत चीज़ें डिपिक्ट जो कि कभी हुई भी नहीं सो mm -hmm. so, आई डोंट नो कितनी किस हद तक हमें लेके जाना चाहिए इस बात को लेकिन आई वॉन्ट आउट राइट डिनाई कि ये कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती बिल्कुल hmm, हाँ तो उस, उसके साथ हमने ना कोरोना वायरस का जिक्र किया hmm. कोरोना वायरस जो है ना एक बड़ा एक रिसेंट इंसिडेंट है और इसके अंदर भी ना हमें नज़र आता है कि कैसे द पावर्स एट बी जो हैं देखें अगर आज आप किसी से पूछेंगे ना कि हु रंस द वर्ल्ड टूडे राइट तो उसमें सिर्फ अब पॉलिटिशियंस और मिलिट्री जनरल और लीडर्स की बात नहीं है लेकिन बिग टेक बिग कॉरपोरेशन की भी बात है बिग Bill फार्मा आ, बिल गेट्स जैसे लोग जेफ बेजोस जैसे hmm. लोग इलॉन मस्क जैसे लोग के जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जा, सो ये इसको मतलब बिग टेक बिग फार्मा ये जो हैं ये बेसिकली इनके पास अब इतना ज़्यादा रेवेन्यू है सो फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया को देखें बिग टेक को देखें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह इनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों की जेन साजी करने के लिए और उस जेन साजी के ज़रिए वो डेमोक्रेसी के ऊपर इन्फ्लुएंस लेके आ सकते हैं वो वो व्हाइट हाउस में बंदा बैठवा सकती है सो ये दिस इज द दिस इज द पावर दे होल्ड इन हैंड्स तो ये लोग भी जो हैं बड़े बहुत की प्लेयर्स हैं इसी तरह बिग फार्मा भी यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं बड़ी बड़ी जो फाइजर होगी और इस किस्म की जो ग्लैक्सो right, right. uh, जो है जी एस के जो है इस तरह की कंपनीज जो हैं अब ये कोरोना वायरस वाला जो है सारा जो uh, ये पिछले जो दो तीन साल हमने देखा है कितने लोगों की डेथ्स हुई हैं इसके ऊपर यू नो इज अ लॉट ऑफ वो जो तीन मैंने डब्बे बनाए ना फैक्चुअल बहुत ज्यादा बातें हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड एंड मैं व्यूअर्स को एक डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करूंगा कि वो ज़रूर देखें ये एंड फिर वो खुद ही देखें कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के फैसले कर रहे हैं इंसानियत के साथ कि उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है डाइड सडनली डाइट सडनली okay. ये शायद यूट्यूब पर ना मिले वो एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है रंबल के नाम से उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी वो डॉक्यूमेंट्री अच्छा, जाएगी। उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने दिखाया है कि कैसे कुछ वैक्सीन ने एडवर्स इफेक्ट्स कॉज किए हैं और जैसे उसका नाम है डाइट सडनली कैसे लोग जो हैं इन देयर थर्टीज हैव डाइट सडनली एंड फिर आपको पता है कि ये वेस्ट के अंदर जब ये आ, डेथ हो जाती है हमारे यहाँ तो मैयत को जल्दी वो गसल दिलाते हैं और फिर उसको जो है दफना देते हैं कुछ ही नहीं, अगले नहीं। दिन ही या कुछ ही घंटों के अंदर सही। वेस्ट में ये ट्रेडिशन है कि उसको बॉडी को जरा देर के लिए रखते हैं तो उसको देर के लिए रखने के लिए उसको इम्बाम करते हैं वो सो so उसके अंदर जो है ना बॉडी के अंदर वो कुछ ना कुछ फ्लूड इंजेक्ट करते हैं जिससे बॉडी थोड़ी सी प्रजर्व रहती है सो इम्बाम करते हैं सो उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो फ्यूनरल होम्स हैं जो लोग इम्बाम करते हैं उन्होंने दिखाया है कि कैसे इम्बाम करते वक्त उनको पता लगा कि लोगों के वैक्सीनेटेड लोगों के अंदर से इतने इतने बड़े बड़े शिक्स इंचज के क्लॉट्स निकल रहे हैं अच्छा। जिसकी वजह से उनका जो है ना सडन उनको कोई स्ट्रोक हुआ या हार्ट अटैक हुआ जिसकी वजह से वो माओकार्डाइटिस कहते हैं इस किस्म हार्ट अटैक को इस किस्म की हार्ट अटैक से लोग जो है ना दे वो ड्रॉपिंग डेड डाइट सडनली इसका नाम है तो ये भी जो है ना इसी तरह द रियल एंथनी फाउची के नाम से एक प्रोग्राम है वो भी देखें जिससे आपको पता लगेगा कि ये लोग जो है ये किस किस्म के फैसले कर रहे हैं नोइंगली hmm. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल hmm. realm के अंदर बातें हैं इस डॉक्यूमेंट्री में शेयर्ड तो ऑल ऑफ दिस यू नो टाइज इन दिस आइडिया के ईवल जो है उसकी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंस है दुनिया के अंदर और हमें पता है कि ईवल के पीछे जो है शैतान है और शैतान इंसानियत के लिए खैर नहीं चाहता बिल्कुल भी तो ये ऑल ऑफ़ दिस इज़ कनेक्टेड और यू नो you know, हमारे पास अगर और टाइम हो तो हम और ज़्यादा एविडेंस uh, लेके आ सकते हैं exactly. मैंने आपके साथ अभी जिक्र किया था कि मैं दो चैट्स का और एक इंसिडेंट mm -hmm 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 -hmm. uh, का जिक्र करूँगा मैं खाल टाइम की किल्लत की वैसे मैं शायद चैट वगैरह का सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ आपने अभी एक जिक्र किया था कि शैतान जो है उसने लोगों को बहुत गुमराह किया ये उनको बता के स्पिरिचुअलिज्म है ये सही इसी तरह की आपने ऐसी, बात ऐसी, की थी ना बिल्कुल इसी तरह मेरे पास ना यूके से एक लड़का आया था जो एक आ, इस्लामिक सूफी मौलवी फैमिली से बिलोंग करता था अच्छा इंग्लैंड से ओके एंड उसकी भी चैट मेरे पास पूरी जो है मैंने सेव की हुई है और वो बताता था कि उसके माँ बाप खासतौर तो पर उसकी दादी जो है वो किस किस्म के जादू में और किस किस की चीज़ों में इन्वॉल्व थी तो वो तो उसको देख रहे थे फ्रॉम ए आ, हलाल लेंस की बिल्कुल ठीक है लेकिन उनके उस आ, अमल के लिए अमल को इफ़ेक्टिव होने के लिए ना उसके माँ बाप को गलत काम करने पड़ते थे अच्छा सो उसको बाकायदा उस चैट में पूरे पूरी चीज़ मैंशनड है तो कभी वो भी मौका मिला तो आप साथ शेयर करूँगा